आई वुड लाइक टू कॉल कुणाल कुमार पांडे, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मिस्टर कुणाल पांडे, अभी हम सभी शिक्षकगण यहाँ पे उपस्थित हैं, मैथमेटिक्स टुडे जिनके डायरेक्टर हैं डीके मिश्रा जी, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सभी 500 से अधिक दिख रहे हैं इस दर्शक दीर्घा में, शिक्षक बंधु मिश्रा जी ने हम सबों को एकत्रित करने का काम किया, ये इनका बहुत ही बेहतर पहल है, इसके लिए मैं डीके मिश्रा जी को शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आप सभी ने डीके मिश्रा जी के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पर गरिमामयी उपस्थिति को दर्ज करके आप सब हमें भी कुछ बोलने पे गर्व महसूस करने का मौका दिए हैं, इसलिए आप सभी को भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे हम सबों में एकता और एकजुटता की कमी है, लेकिन टीचर्स का भी एक मीटिंग होनी चाहिए और मीट होते रहना चाहिए, और एकता और एकजुटता के साथ हमें भाईचारा और प्रभुत्व को दिखाने की ज़रूरत है। जैसे कोरोना काल में सरकार हम सभी प्राइवेट शिक्षक पर यानी कहते हैं ना कि दूध की मक्खी जैसा भी ध्यान नहीं दिया है, दूध में मक्खी पड़ती है तो हम सभी ध्यान देते हैं कि हमारा दूध कम से कम बच जाए। तो उसी प्रकार अगर सरकार इस पे पहल करती कि कम से कम हमारे बच्चे बच जाए, इसलिए इन सबों को बचाने के लिए हम कुछ पहल करें और कुछ पैसों का इनके भी जीवन यापन के लिए भी बंदोबस्त कर दें, तो यदि यह सरकार कुछ इस पे पहल करती तो यह सरकार के लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक कोरोना काल हम सब के जैसे बच्चों के समर्पित रहने वाले शिक्षकों के लिए बहुत ही प्रेरणा की घड़ी आई हुई है, जो सीख लेने के लिए हम सबों को मजबूर करती है। ऐसे तो हम सभी शिल्पकार हैं, बच्चों को बनाने का काम करते हैं, यह ऐसी उद्योग है जहाँ से मानव बनते हैं, यह विश्व की अद्वितीय और सबसे बेहतर उद्योगों में से एक है। ऐसा ना कोई उद्योग है जहाँ पे मानव को उत्पादित किया जाता है, हम सब मानव को उत्पादित करते हैं और मानव के लिए शिल्पकार का कार्य करते हैं, और उसी कड़ी में डीके मिश्रा जी का भी पहल बहुत ही बेहतर है, जो एक बेहतर शिल्पकार साबित होते हैं मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। इन्होंने चंदमारी में बहुत ही कम समय में अपना एक बेहतर छाप छोड़ा है। रास्ते पर जब गुजरते हैं हम सभी, तो आधी भीड़ जब स्टूडेंट की चलती है तो या तो मैथमेटिक्स टुडे का नाम लेती हुई मिलते हैं बच्चे या बच्चियाँ जो भी रहते हैं, वो मैथमेटिक्स टुडे का नाम लेते हैं या डीके मिश्रा सर का नाम लेते हुए मिलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और गौरवान्वित करने वाली बातें हैं। इन्होंने पूर्ण समर्पण से और बेहतर प्रयास के द्वारा सभी के साथ मृदुभाषी स्वभाव को अपनाते हुए और बच्चों से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बढ़ावा देते हुए इन्होंने एक बेहतर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में कार्य करने का कला अपनाया है। ये बच्चों पे कोई भी बात को
थोपते नहीं हैं, बच्चों को क्लास में क्वेश्चन पूछने का अवसर देते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा ही इनसे प्रभावित होते हैं और बच्चे इसका लाभ लेते हुए, खुद मेरे ही परिवार के कुछ बच्चों को इन्होंने पढ़ाया जो इनके कार्यशैली और शिक्षण पद्धति से बहुत ही प्रभावित होकर बहुत ही स्कोर बेहतर करके और बहुत ही बेहतर मार्क्स लाकर इस ज़िले के यानी प्रतिष्ठित रैंक टॉप 10 में आकर हम सबको भी गौरवान्वित करने का काम किया छात्रों ने, जिसके लिए डीके मिश्रा जी धन्यवाद के पात्र हैं। और इस प्रकार इनकी पहल लगातार होती रहे, ऐसी शुभेच्छा है हम सबों के द्वारा कि हम सभी से इनकी मृदुभाषिता और सरलता यूं ही बनी रहे और सफलता इनकी कदम चुमती रहे। साथ साथ हम सभी शिक्षक जितने सारे बैठे हुए हैं हजारों की संख्या में, सबकी यूं ही तरक्की होती रहे और आत्मनिर्भर तो हम लोग पहले से ही हैं। मोदी जी हम लोगों को देखकर आत्मनिर्भर भारत का पहल करना शुरू किए हैं। हम लोग तो आत्मनिर्भर पहले से ही हैं, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले डीके मिश्रा जी कोचिंग खोल के आत्मनिर्भर बन चुके थे, और हम भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले 2012 से पढ़ाते हैं। तो आत्मनिर्भर हम लोग बन चुके हैं, लेकिन सरकार की और खुद मोदी जी की भी पहल इस पे नहीं हुई है, ये भी एक कड़ी निंदा का भी विषय है। क्योंकि पॉलिटिकल तो मंच नहीं है, यह एक शिक्षा का मंच है, परंतु बातें पॉलिटिकल हो जाना थोड़ा सा लाजमी है, हो ही जाती है, नहीं चाहते हुए भी हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल बातें कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों की धुरी पॉलिटिक्स पे ही है। क्योंकि अभी कार्यपालिका जो है उसी के अधीन हम सब, या न्यायपालिका भी आती है या हम सब पर भी सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए और इस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए। अब मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूँगा और पुनः डीके मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यूं ही आप टीचर्स मीट कराते रहें, हम सभी शिक्षक बंधुओं को एकत्रित करके भारी संख्या में एक साथ बुलाकर और रसगुल्ला और नमकीन खिलाएं और एक मंच देकर सभी का अभिभाषण करके और सभी को संबोधन करने का मौका दें। बहुत ही बेहतर है, लगता है जब अपने शिक्षक बंधु एक साथ मिलते जुलते हैं, बहुत ही ये बेहतर बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय आत्मनिर्भर भारत।